हाय गाइस, दिस इज प्रशांत। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टोरी टेलिंग देखेंगे कि स्टोरी टेल किस तरह की जाती है। गाइस, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, बट वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन में फ्लुएंट नहीं है। उन्हें ग्रामर तो आती है, बट जब बात स्पीकिंग की आती है तब वो उसमें फ्लुएंट नहीं होते हैं। तो गाइस, इसका एक मेन रीजन यही है कि उन्होंने ग्रामर तो पढ़ी है, बट उसके लिए जो प्रैक्टिस करनी होती है स्पीकिंग के लिए, उन्होंने वो नहीं की है। इसीलिए उनका जो स्पीकिंग वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो गाइस, उसी पर बेस ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ, जिस पर हम देखेंगे कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए। गाइस, हमें छोटी छोटी जो स्टोरी होती हैं उन्हें अपनी डेली हैबिट में प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो तब जाकर एक समय ऐसा आएगा कि हम स्टोरी ट्रांसलेट करते करते, उसकी प्रैक्टिस करते करते हम स्पीकिंग में भी फ्लुएंट हो जाएंगे, हमारा कम्युनिकेशन का लेवल एक लेवल पर पहुंच जाएगा। तो आइए गाइस, देखते हैं कि किस तरह स्टोरी ट्रांसलेट की जाती है, स्टोरी टेलिंग किस तरह की जाती है। तो गाइस, आज की स्टोरी में स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजिशन पर आधारित है ये वाली। इसमें मैं कुछ, और ये जो स्टोरी है पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है, और इसमें मैं आगे भी हायर लेवल की स्टोरी लेकर आता रहूंगा। तो आइए गाइस, देखते हैं इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे और इसमें से कैसे क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। तो गाइस, ये जो स्टोरी है इसमें हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम है मोंटी, वह एक स्टूडेंट है, उसके फादर का नाम है चार्ल्स, वह एक डॉक्टर हैं, उनके पास एक कार है। मोंटी की जो मदर है उनका नाम जेनी है, वह एक टीचर हैं, और मोंटी के पास एक साइकिल है और एक कंप्यूटर है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम सैम है। तो ये तो हो गया स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन का पार्ट की उसके पास क्या क्या एसेट्स वगैरह, क्या क्या उसके पास पोजीशन है और क्या वो है क्या नहीं है। ओके, आइए आगे देखते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित है, उसका डेली रूटीन। जैसे वह सुबह 6 बजे उठता है, उसके बाद वह फ्रेश होता है, फिर वह टेम्पल जाता है, उसके बाद फिर वो अपने घर वापस आता है, फिर जब वो अपने घर वापस आता है फिर उसकी माँ उसे ब्रेकफास्ट देती है, फिर वह स्कूल के लिए तैयार होता है, फिर वह अपने दोस्त के यहाँ जाता है, फिर वहाँ से वह दोनों स्कूल जाते हैं, और फिर स्कूल से वह 2 बजे वापस आता है, उसके बाद वह थोड़ी देर रेस्ट करता है, फिर शाम 6 बजे वह साइकिल चलाता है, उसके बाद वह 7 बजे कंप्यूटर चलाता है, 8 बजे वो डिनर करता है, और फिर वह सोने चला जाता है। तो गाइज, ये पूरी स्टोरी है। इसको आप, अब गाइज इसमें फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? आप, क्योंकि आप बता रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं सामने वाला वो हो गया सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गाइज, इतने को ट्रांसलेट करने के बाद हमारी स्टोरी यहीं खत्म नहीं होगी, उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी करना है और आंसर्स भी करना है। तो आइए पहले मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूं इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आंसर और क्वेश्चन आंसर किस तरह करना है। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ गाय हुज नेम इज मोंटी। मोंटी इज अ स्टूडेंट। हिज फादर नेम इज चार्ल्स। ही इज अ डॉक्टर। ही हैज अ कार। Monty's mother's name is Jenny. She is a teacher. Monty has a cycle. Monty has a computer. And he has a best friend whose name is Sam. तो गाइज, यहां तक हमने ट्रांसलेट किया। ये तो पार्ट हुआ स्टेट ऑफ बींग और स्टेट ऑफ पोजिशन का। आगे देखते हैं। He gets up around 6 o'clock in the morning. After that, he gets fresh. And then he goes to temple. To worship, and then he comes back to home, and where his mother gives to him breakfast, and then he gets dressed, and then he goes to his friend's house. From there, they both go to school.
एंड देन ही कम्स बैक एट 2 पीएम एंड देन ही टेक्स अ रेस्ट. गाइस टेक अ रेस्ट गाइस हमेशा यहां पे आप कई लोग सोचेंगे यहां पे टेक अ रेस्ट क्यों लगाया. गाइस काफी ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ए लगता ही है, जैसे टेक अ ब्रेकफास्ट, हैव अ ड्रिंक, हैव अ वॉक, इनके साथ हमेशा ए लगता ही है. इस पे मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा. आगे है, शाम 6 बजे वह साइकिल चलाता है. आफ्टर टेकिंग रेस्ट ही राइड्स साइकिल एट 6 o'clock एंड देन एट 7 p.m. ही ऑपरेट्स कंप्यूटर एंड देन आफ्टर 8 p.m. ही टेक्स डिनर एंड देन ही गोज टू बेड. अब गाइस हमें स्टोरी यहीं पर एंड नहीं करना है, अब यहां पर हमें क्वेश्चन भी करना है. अब सपोज क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन होंगे मान लीजिए मोंटी कौन है, मोंटी क्या करता है, उसके फादर क्या करते हैं, क्या उनके पास कोई कार है. तो इस तरह की क्वेश्चन करेंगे और आप खुद से उनके आंसर देंगे. क्योंकि गाइस आपको ग्रामर तो आती है बट आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए आप स्पीकिंग की जब बात आती है तो आप फ्लुएंट नहीं होते हैं उसमें. तो इसी को हमें इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो एक समय आएगा कि हम उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे. तो आइए गाइस देखते हैं अब क्वेश्चन किस तरह करना है. क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज हिज नेम, हिज नेम इज मोंटी, व्हाट डज ही डू, ही इज अ स्टूडेंट, व्हाट डज हिज फादर डू, ही इज अ डॉक्टर, डज हिज फादर हैव अ कार, यस ही हैज अ कार, व्हाट डज हिज मदर डू, ही इज अ टीचर, डज ही हैव एनी बेस्ट फ्रेंड, यस ही हैज अ बेस्ट फ्रेंड हुज नेम इज सैम, व्हेन डज ही गेट अप, ही गेट्स अप अराउंड 6 o'clock in the morning. Does he go to temple? Yes, he goes to temple. Okay. And who gives him breakfast? His mother gives him breakfast. Does he ride cycle? Yes, he rides cycle. Does he operate computer? Yes, he operates computer. तो गाइस इस तरह से आपको स्टोरी टेलिंग सीखना है. स्टोरी ऐसी आप दिन में एक या दो स्टोरी बनाइए और उनको ट्रांसलेट करिए और उसके बाद फिर खुद से उनमें आंसर क्वेश्चंस और आंसर्स करिए. तो गाइस एक समय ऐसा आएगा कि आप आसानी से फ्लुएंसी डेवलप कर पाएंगे. तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही. आगे मैं इसी तरह की और वीडियो लेकर आता रहूँगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस.